एक चींटी थी, वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चींटी बहन जरा रुक जा। चींटी रुक गई, पूछने लगी, क्या बात है? टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हुआ चल रही है, आओ बाग में खेलें। चींटी ने कहा, मैं कैसे खेल, मुझे दाने इकट्ठे करने हैं, जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चींटियां क्या खाएंगी, मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने कहा, हम तो खेलते ही हैं जी। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ आया, चींटी का दरवाजा खटखटा कर कहने लगा, चींटी बहन मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूं, जब तक बारिश रहेगी उस वक्त तक यहां रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। चींटी बोली, भाई टिड्डे तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा, जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जो सस्ती करे इसकी सजा यही है। टिड्डा गिर गिराया, चींटी बहन इस बार मुआफ कर दो, आगे से मेहनत किया करूंगा। चींटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए, कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा रोती शक्ल लिए हुए चला गया।